नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। सूरत के पांडेसर विस्तार के कृष्णा नगर सोसाइटी में एक महिला को जमीन और पैसे का प्रतिलोभन देकर शारीरिक शोषण करने की घटना सामने आई है। सूरत पांडेसरा के कृष्णा नगर सोसाइटी में प्लॉट नंबर 24 में 22 साल से अपने दो लड़की और एक लड़के के साथ रहती है चमन देवी। पत्नी राम बहादुर कनौजिया ने अपने ही रूम मालिक राम मिलन मिश्रा के ऊपर 8 साल से रूम और पैसे का प्रतिलोभन देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है, और कुछ दिन पहले उसको जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। उन्होंने मीडिया के सामने रूबरू होकर अपनी आप बीती सुनाई। मेरा चमन देवी कनौजी है नाम। आपके साथ क्या और कहां पे क्या हुआ है? मेरे साथ में मेरा रूम मालिक मेरे साथ में झगड़ा किया, और जो है मेरे बोले कि तू रूम साइड से निकल जा, तो मैंने उसको 10,000 भाड़ा दे दिया। फिर 1300 रुपया उनको मैं लाइट बिल नहीं दे पाई थी, उसके लिए वो बोले कि मैं तेरे को 1500 में चलता हूँ, 10-20,000 रुपया दे के मैं तेरे को गाड़ पर लात मार के निकाल देता हूँ। मैं बोला महाराज मेरे को 3 महीने का समय दो, मैं बारिश में बच्चे लो कि मैं लेके कहाँ जाऊँगी। फिर 7वां महीने 30 तारीख मेरा उनका सुलह हो गया था, मैं मान लिया था। फिर 8वां महीने 8 तारीख को मेरे को इंसिडेंट मेरा हाथ तोड़ दिया। मैं बचाते बचाते सिविल पहुंची, जब मेरे को होश आया वहाँ मेरा मटा पट्टी बना, दवा हुआ, ऑपरेशन हुआ, फिर मैं यहाँ आई। मैं कमिश्नर ऑफिस में गई, जो है कि मैं सुनवाई किया कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, मेरा साथ में हुआ है। पुलिस वाले पांडेसरे वाले बुला के और वहाँ बयान लेकर उन लोग को छोड़ दिया अपराधी को। अब उन लोग मेरे को धमकी देते कि तुम्हारी जवान लड़की है, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तू मेरे साथ में ऐसा गद्दारी कर रही। मेरे साथ में जब सोता था तो नहीं जानता था, 8 महीना 8 साल से लालच देख देख के रखा था कि मैं तेरे को 2 रूम दे दूंगा, तेरा आदमी नहीं आता है, मेरे पास मेरी औरत नहीं है, ऐसा ऐसा मेरे साथ में किया है, आज मेरे को निकाल रहा था, मैं कहाँ जाऊँ? किस लालच में मेरे को उड़ना कपड़ा देता था, गाना गिटी किस लालच में देता था मेरे को? आप कितने दिन से यहाँ पे हैं? 22 साल हो गया साहब मेरे को यहाँ रहने का। वो मेरा बड़ा लड़का 22 साल का मेरा लड़का खत्म हो गया, वो 10 साल का था जब मैं आई थी। ये मेरा लड़का जो है 3 महीने का था मैं जब मैं आई हूँ, 4 बच्चे मेरा यहाँ ही पैदा हुए। सामने वाले का क्या नाम है? राम मिलन मिश्रा नाम है। कितने लोग हैं? 3 जने, एक राजा नाथी है, एक डॉक्टर है, उसका नाम मालूम नहीं, डॉक्टर उसको बोलते हैं। वो तीनों मिलकर हमारा इंसिडेंट किए थे, मैंने अपना जान बचा के मैंने वहाँ से भागा है, पूरा मेरा शरीर में पूरा घाव हो गया था। किस जगह पे सोसाइटी आई आपकी? ये कैलाश चौकड़ी के अंदर है। ये सोसाइटी कहाँ पे है? ये कृष्णा नगर पांडेसरा में है। कितना नंबर प्लॉट है? 24 है। ये भी नहीं बताए थे हमको कि 24 है, अभी मालूम पड़ा कि ये 24 है। जब पुलिस चौकी पांडेसरा वाले पूछने लगे बोले मेरा प्लॉट नंबर 25 है। आपने फरियाद कहीं किया? फरियाद किया था पांडेसरा में, किया था कमिश्नर ऑफिस में फरियाद किया था, मगर मेरा फरियाद कोई नहीं सुन रहा है। सब दबा दे रहे, पैसा ले लेके खिला खिला के दबा दे रहे, अभी धमकी देते हैं कि तेरे को मरवा दूंगा, यहाँ से छोड़ के भाग जा, तेरा लड़की लड़का के मैं उठवा लूंगा, नहीं छोड़ेगी, नहीं सुला मानेगी, तेरे जान से मरवा दूंगा, अभी मरवा देगा, मेरा बच्चे के कौन खिलाएगा, कौन देगा? लाइट भी लाइट काट दिया, लाइट देती हूँ, भाड़ा देती हूँ, तो भी मेरा लाइट काट दिया। क्या नहीं किया मैंने इसके साथ, उड़ना कपड़ा तक धोया सोया तब तक मैं अपना जिस्म तक बेच दिया इसके साथ में, लालच दे दे के मेरे साथ में इतना नशा भी हो रहा है। यहाँ के सुबह 6:30 बजे मेरे दुकान पे आ जाता था, मैं रूम पर से आती थी, वो सीधा संडास जाता था, इधर आके मेरे पास बैठता था, शाम को 4 बजे यहाँ बैठता था, 6 बजे जाता था वो अपने पान के गादी पे, सब कुछ मेरे साथ में किया, मेरे को साड़ी दिलाया, कपड़ा दिलाया, गहना दिलाया, लालच से कुल मेरे साथ में जैसा जैसा वो बोला मेरे को ऐसा मैंने किया उसके साथ में। हरियाणा के अंबाला में चुनाव का माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी का चित्रा सरवारा को टिकट न मिलने के कारण वो आजाद लड़ रही हैं, जो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हरियाणा से हमारे संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। मैं रोहन शर्मा, हमारे साथी है युवा साथी है लाल पट्टी बजाकर, बहुत गर्म टीम है यहाँ, हमारे बहुत से साथी लाल पट्टी है, उनमें से मैं अजय कनौजिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात कहें एक बार कि किस तरह से चुनाव लड़ेंगे लोग, क्या चाहेंगे, कैसे करेंगे। अजय कनौजिया जी धन्यवाद। नाम हो चुनौती का राज बदल दो साथियों, ये समय आ चुका है जो हमारे साथ हुआ है उसके भी लड़ेंगे और बीजेपी सरकार को भी ध्वस्त करके रख देंगे। साथियों जब घोषणा कर लिया ऊंची उड़ानों का, फिर देखना फजूल के आसमानों का, हम चौधरी निर्मल सिंह के दोस्त भाई हैं, तो गर्दन कटा आज
घंटों में एक बार यहाँ फिर से एकत्रित होने के लिए आज मैं क्योंकि हमारा परिवार खड़ा है यहाँ पे और Thank you.
अम्बाला कैंट से कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रेणु अग्रवाल के घर में खुशी का माहौल। टिकट मिलने के तुरंत बाद रेणु अग्रवाल का उसके बाद अग्रवाल धर्मशाला के बाहर ढोल नगाड़ों की थाप पर परिवार व कार्यकर्ता थे। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर क्या कहा रेणु अग्रवाल ने, आइए जानते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैडम कुमारी सैलजा जी के आशीर्वाद से, कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद है और मैं पूरी कोशिश करूंगी, इस पर खड़ा होऊंगी, मेरे सभी साथी मेरे साथ हैं और हम सब मिलकर इस इलेक्शन को मजबूती से लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। जैसा कि मैडम निर्मल सिंह जी की जो बेटी है चित्रा सरवारा, वो आजाद लड़ रही हैं, इधर से बीस साहब हो गए, उधर से बीएस, तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या होगा? चुनौती है, स्वीकार करेंगे, लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, लड़ेंगे, इलेक्शन जीतेंगे। तो कुछ कहना चाहेंगी आप कि इलेक्शन के लिए? इलेक्शन तो देखिए अब समय बदलने वाला है, अब जनता का समय आएगा, क्योंकि अभी तक जनता बहुत दुखी है, भाजपा के राज में विकास नहीं हुआ हमारे अम्बाला में, आप देख ही रहे हैं, बहुत कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है कि आप बाहर निकले, सड़कें देखें, हालात देखें, बारिशों में देखें, और अब जो पूरा अम्बाला उन्होंने पूरे लाइन वहाँ से वहाँ तक तोड़ दिया और पूरा यातायात का सिस्टम देखें, गंदगी देखें, अपना व्यापार देखें कि कहाँ व्यापारी इस टाइम बिल्कुल खाली बैठा हुआ है, तो ठीक है विकास दोबारा से समय आया है, जनता का समय आया है, पूरी मेहनत करें। जैसा कि जी ने बयान दिया था कि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, पार्टी के पास पैसा नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास, मुझे तो इस बयान की कोई जानकारी भी नहीं है और पैसे की भी जानकारी नहीं है, हम तो चुनाव सब लोग मिलजुल कर लड़ेंगे। मुद्दे मैंने बताया, मुद्दा विकास का, एक आम जनता का मुद्दा होना चाहिए सबसे पहले, तो मुद्दा मेरी बहनें जो आज स्वरोजगार चाहती हैं, मैं अक्सर उनसे मिलती हूँ यहाँ पर, उनके लिए काम नहीं है। दूसरा आप देखते हैं अम्बाला में नशे का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमें उसको भी कंट्रोल करना है, और नशे की वजह से इसका जो कारण है वो है बेरोजगारी, क्योंकि पढ़े लिखे युवा युवतियाँ बेरोजगार हैं, खाली है तो नशे की तरफ मुड़ जाते हैं, हमारे समाज खोखला हो रहा है और हमें इस पर काबू पाना है, कांग्रेस पार्टी यह कर रही है। जैसा कि मैडम आप यहां अपनी खुशी मनाने कांग्रेस भवन में गई हैं, वहां पे ताला लगा हुआ मिला, आप क्या करना चाहते हैं? ठीक है, ताला लगा मिला कभी कभी हो जाता है ऐसे, हमने कांग्रेस भवन के बाहर मत्था टेका, हम सब साथियों ने, हमारा मंदिर है वो, हम वहीं से चुनाव की अपनी सारी
कार्यक्रम शुरू करेंगे। मैम कब तक शुरू करेंगे, मतलब वहाँ से कल नॉमिनेशन है, एक बार नॉमिनेशन वाला काम कल नॉमिनेशन कहाँ से शुरू करोगे? अभी उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। जैसा कि निर्मल सिंह तो वहीं से अपनी रैली निकाल लेंगे, आप भी वहीं से निकाल लेंगे, इसके बारे में आप क्या सरकार निकाल लेंगे कांग्रेस भवन से? हम अभी हमने अनाज मंडी सोचा है, वैसे अभी विचाराधीन है मामला। हम कोशिश करेंगे जहां पर कांग्रेसी अपना झंडा फहराते हैं, हम वहीं से कोशिश अनाज मंडी से ही, मतलब कांग्रेस का झंडा फहराता है, वहीं से बिल्कुल। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गदरपुर से पूर्व गदरपुरा के ग्राम प्रधान अब्दुल खालिक ने अपने पुत्र वधू के लिए चुनावी मैदान में आकर उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आने वाली 5 तारीख को कैरम बोर्ड पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए और कहा कि मेरी पुत्र वधू जीतेगी तो अपने पूरे ग्राम में चौमुखी विकास करवाऊंगा। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शाहनूर अली की रिपोर्ट। एक सभी वर्ग जितने भी हैं मेरे गांव में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबसे मेरी गुजारिश है कि करम बोर्ड के निशान पर, चुनाव चिन्ह के निशान पर माहौल लगाकर सुरकाब सिद्दीकी को विजय बनाएं और विजय बनाने के बाद जितनी सुरकाब सिद्दीकी जीतेगी उसके ठीक शपथ ग्रहण होने के बाद इंशाल्लाह चुनाव तो हम ही जीतेंगे, ये वादा है मेरा। शपथ ग्रहण होने के बाद तुरंत बैठने के बाद सबसे पहले ये देखना जनता की अमूल समस्या क्या है, कहाँ रोड डाली जा रही, जो खंडर हालत में है सबसे पहले उनका काम करना है, जो कार्ड लोगों को नहीं मिले उनका काम करना है, विकास के मामले में कोई कसर नहीं छोड़नी है। इंशाल्लाह ये वादा करता हूँ जनता को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दूसरे, मेरी ग्राम पंचायत की जनता ने मुझे 2 दफा नवाजा है, मैं उनका एहसान मंद हूँ, शुक्र गुजार हूँ। इस बार मेरी बहू सुरकाब सिद्दीकी चुनाव लड़ रही है, उन्हें इस बार जनता नवाज दे। मैं वादा करता हूं कि जनता को कोई शिकायत का मौका उनकी तरफ से, मेरी तरफ से या मेरे बेटे मोहम्मद सभी की तरफ से जनता को नहीं मिलेगा। मेरा बेटा सुरकाब सिद्दीकी का जो पति है एक अच्छा होनहार ग्रेजुएट लड़का है और पूरी ग्राम पंचायत की जनता से एक एक घर से वाकिफ है, वो ये जानता है कि इस माँ की तकलीफ क्या है, कि बहन की तकलीफ क्या है, कि चचा ताऊ की तकलीफ क्या है, बुजुर्गों की तकलीफ क्या है, क्योंकि एक समझना और सोचना बहुत बड़ा जरूरी है आज के दौर में। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि हर कीमत पे आने वाली 5 तारीख में किसी के बहकावे में ना आकर सुरकाब सिद्दीकी को उनके चुनाव चिन्ह करम बोर्ड पर मोहर लगा के उन्हें विजय बनाए और विकास के मामले में शायद जनता से मैं जाके पूछूंगा, जनता मेरे धोरण नहीं आएगी, जनता के सारे काम का वादा करता हूँ एक एक काम होगा। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में सामाजिक संस्था ग्रीन क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा महात्मा गांधी को याद कर एवं त्योहारों को देखते हुए शहर के सफाई कर्मियों को नए वस्त्र व मिठाइयां देकर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही शहर के कई स्थानों पर सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु पोस्टर व बैनर भी लगाए गए। इस मौके पर सफाई कर्मियों के चेहरे पर एक अलग मुस्कान देखने को मिली। सफाई कर्मियों ने बोला कि पूरा समाज हम लोगों को घृणा की दृष्टि से देखता है, ऐसे में इस ग्रीन क्लब ने हम सबको इतना इज्जत और प्यार दिया कि हम सब इसके आभारी हैं। फास्ट न्यूज संवाददाता को कार्यक्रम की जानकारी थी ग्रीन क्लब की अध्यक्ष मंजू गुप्ता। ग्रीन ক্লাবের যারা মেম্বার উদ্যোক্তা তাদেরকে প্রথমে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই আমার পক্ষ থেকে, কারণ তারা এরকম একটা মহৎ আয়োজন করেছেন। যারা গরিবের, যারা গরিব, যারা নিচু তলার মানুষ, যারা আমাদের সব প্রত্যেকটি ডাকে সাড়া দেয়, সমাজের বন্ধু যারা, এরাই আসল সমাজের বন্ধু, এরাই আমাদের সবসময় পাশে থাকে, এরাই সাফসুতরো পরিষ্কার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কাজে এই যে গ্রিন ক্লাব, এদের ডেকে এই যে মানে গরিব ওরা এই যে এদেরকে জামা কাপড়গুলো দিলেন, এরা খুব সন্তুষ্ট হলো। এবং মঞ্জুদি বা গ্রিন ক্লাবের অন্য যারা সদস্য আছেন তারা যে এইরকম একটা আয়োজন করেছেন তার জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তারা যেন তাদের এই কর্ম প্রস্তুতির হাত আরও বাড়াতে পারেন আমি সেই কামনা করব। ধন্যবাদ। मैं ग्रीन क्लब की प्रेसिडेंट मंजू गुप्ता, आगामी जो हमारे शारदीय पूजा, बंगाल की बहुत बड़ी पूजा, सभी को शुभकामना देती हूँ और सबकी ये पूजा माँ दुर्गा सबका मंगलमय करे, विश्व शांति करे, जो ये विश्व में चल रहा है हमारे बीच उनको वो सबको शक्ति दे जिससे हम वो लड़ पाए। साथ ही साथ हम जो ये हमारा अभी हमारे प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम प्लास्टिक यूज ना करें, तो मैं सभी को ग्रीन क्लब की तरफ से ये संदेश देती हूँ कि सिंगल जो प्लास्टिक यूज प्लास्टिक वो ना करें और सबका ये सहयोग सब उसमें करें। हम ही दबाव डालते हैं सबको कि जो ठेला वाले हैं ये सबको हम थैला अपने साथ नहीं ले जाते हैं और उनको बोलते हैं नहीं भाई प्लास्टिक दो, तो हमें भी इसमें सहयोग करना होगा और अपने साथ एक थैला हमेशा रखें, तभी हम इसको पूरा कर पाएंगे। हालांकि सरकार को चाहिए कि जहां से प्लास्टिक बन रहा है उस फैक्ट्री को बंद करें, तभी ये सक्षम हो पाएगा। नहीं तो वो अगर माल बनाते हैं तो वो आकर इनका जो ठेले हैं या सब्जी है जो बेचते हैं उनके ऊपर आकर बोलते हैं कि आप ये प्लास्टिक खरीदिए। तो सही में प्रशासन अगर उनको बंद करे तभी ये पूरा हमारा सपना पूर्ण होगा और प्लास्टिक यूज हम नहीं करेंगे। तो यही हम इस बार पूजा में सबको संदेश दे रहे हैं कि आप लोग प्लास्टिक बंद कीजिए जितना हो सके। हालांकि हमारे कण कण में अभी हर रूप में प्लास्टिक आ गया है, पर हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जो ये काले रंग का या ऑरेंज कलर का आप देखते हैं विभिन्न कलर का, वो सबसे खतरनाक है। वो पशुओं को कैंसर बीमारी देता है, ये कभी नहीं गलता है। हमारे जो बाढ़ आज पटना में आ रही है सब जगह आ रही है, नालियों में जाके उन नालियों के छेद को बंद करता है। तो इससे हम तभी उबर पाएंगे जब हम ये सबके अंदर ये हम पहुंचा पाएंगे कि आप प्लास्टिक यूज मत कीजिए। धन्यवाद। ये थे अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।